भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अ बिग जंप किया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV टेस्ट को अंजाम दिया। यह हवा में आवाज की गति से 6 गुना स्पीड से दूरी तय करता है, यानी किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। सफल टेस्ट के क्या मायने? सीधे शब्दों में कहें तो भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार DRDO अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किया जा सकते हैं। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को अगली जेनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल BrahMos-2 तैयार करने में मदद मिलेगी। फिलहाल उसे DRDO और रूस की एजेंसी मिलकर डेवलप कर रहे हैं। HSTDV में क्या है खास? यह स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट अपने साथ लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार का मतलब ये कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने को घंटे भर के भीतर निशाना बनाया जा सकता है। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती हैं। इसका मतलब है कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई फिक्स्ड रास्ते पर नहीं चलता। इस कारण दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। स्पीड इतनी तेज है कि टारगेट को पता भी नहीं चलेगा। क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज चलती है। ये 2 प्रकार की होती है, पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये मिसाइलें मिनटों में दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। फिलहाल अमेरिका, चीन और रूस के पास ही ऐसी मिसाइलें हैं। अमेरिका जहां परंपरागत पेलोड्स पर फोकस कर रहा है, वहीं चीन और रूस परंपरागत के अलावा न्यूक्लियर डिलीवरी पर भी काम कर रहे हैं। दुनिया के किसी देश के पास फिलहाल इसका डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन इस पर रिसर्च कर रहा है। कैसे रोकी जा सकती हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें? फिलहाल ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। कई देश प्रयोग कर रहे हैं और एनर्जी वेपन्स, पार्टिकल बीम्स और अन्य नॉन काइनेटिक वेपन्स के जरिए ऐसी मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता हासिल करने की कोशिश हो रही है।